कोई पर्टिकुलर नंबर्स को अगर आपने टेक्स्ट में लिख दिया, इस तरह के नंबर्स में लिख दिया, इस नंबर्स को कन्वर्ट करने के लिए हम वैल्यू फॉर्मूला लगाते हैं, ठीक है। क्योंकि सम और बाकी बहुत सारे फॉर्मूलेज अगर आप लगाते हैं तो इसमें इसको कंसीडर नहीं करता, नहीं किया ना, तो उस केस में हम वैल्यू इस्तेमाल करते हैं। या फिर वैल्यू के जगह पे आप एक काम और कर सकते हैं कि इसमें प्लस जीरो कर दे या मल्टीप्लाई बाई वन कर दे, वो भी कन्वर्ट होकर आ जाता है। इसी में एक होता है ना, एक फॉर्मूला नंबर वैल्यू का आ गया है, तो नंबर वैल्यू में आप बस ये दे सकते हैं कि डेसिमल सेपरेटर देना है नहीं देना है। जैसे मैंने दो, क्या थाउजेंड सेपरेटर देना है, हमने बोला यस, एंटर मारिए, ये आपके सामने आ गया। दोनों सेम है। देखिए दूसरा वाला कैसे सेम हुआ, इसकी तो वैल्यू अलग नहीं आ रही है, इसलिए क्योंकि हमने थाउजेंड हमने यहाँ पे बोल दिया है कि दो लेटर डेसिमल ले लो नीचे से, दो लेटर, तो फिर भी टू तो गायब है। दो लेटर आपने ले लिया तो ये पचास, हाँ उसको डेसिमल में कन्वर्ट कर दिया। अच्छा, टू को डेसिमल में कन्वर्ट कर दिया, कुछ नहीं करेंगे जैसा ऐसा नंबर आ जाएगा। सर ये नंबर वैल्यू का फॉर्मूला इसी टेक्स्ट के ड्रॉप डाउन बॉक्स में है। जी हाँ जी हाँ, फॉर्मूले के अंदर करना है कन्वर्ट, उस केस में से यूज करते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं, कुछ नाम हमने लिख दिया, हमारे पास एक होता है अपर, इसको अपर केस में कन्वर्ट करते हैं। दूसरा होता है हमारे पास लोअर, उसको हम लो इससे हम लोअर केस में कन्वर्ट करते हैं। दूसरा हमारा आता है प्रॉपर, उसको हम प्रॉपर केस में कन्वर्ट करते हैं। तो प्रॉपर क्या करता है, प्रॉपर करता है कि हर वर्ड का फर्स्ट लेटर बड़ा कर देता है। जैसे कुमार कर दिया मैंने, तो देखें सुधीर और कुमार दोनों बड़ा है, ठीक है। तो केस चेंज करने का अपर लोअर एंड प्रॉपर तीन केस होता है, राइट सर। उसके बाद हमने कोड और कैर यूनिक, ये दोनों वही है, कैर कोड ही है, ट्रिम पढ़ाया ही था आपको मैंने। अब टेक्स्ट ज्वाइन नया फंक्शन है। अब टेक्स्ट ज्वाइन देखिए, ये बहुत ही मजेदार चीज है सर, ठीक है। इसको मैं रहने देता हूं, मैं ट्रिक्स में पढ़ाऊंगा अभी थोड़ा देर में, इसको इग्नोर करते। टेक्स्ट मैंने लास्ट क्लास में पढ़ाया था, ये था जब हमने दो वर्ड को ज्वाइन कर दिया, दो डेट को ज्वाइन करते से बताया था फॉर्मेट ले सकते हैं, क्या सकते हैं जी, पढ़ाया था ना जी 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 जी। अब टी की बात करते हैं, जैसे कि एक टेक्स्ट में सर, टेक्स्ट में सिर्फ उसका वही एक ही यूज था जो आपने बताया लास्ट टाइम, दैट्स इट। हमने आपको बताया है कि कस्टम फॉर्मेट, आपको कस्टम फॉर्मेटिंग पढ़ाया था, उससे ही बताया था टेक्स्ट को हमने, कि कस्टम फॉर्मेटिंग का जो कोड है ना, इस कोड से विजुअल की जगह ओरिजिनल करना है तो आपको टेक्स्ट फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, समझे। क्या क्या सर दोबारा बताइएगा। जैसे कि मान लीजिए कि हमने यहाँ पे ये लगा दिया है, हमारे यहाँ पे नंबर्स है, तो मुझे मान लीजिए कि इसको जो है एमआरपी के साथ शो करना है, राइट। हाँ तो ठीक है, हाँ वो तो उसमें कस्टम फॉर्मेटिंग में जाएंगे। हाँ तो उस कस्टम फॉर्मेटिंग में जाएंगे तो यहीं पे आप कर सकते हैं कि फॉर्मेट नहीं मान लीजिएगा, टेक्स्ट इसको सेलेक्ट कर लिया, कॉमा एम आर पी, डबल इन्वर्टर को लगाना पड़ेगा, एम आर पी और हैश कर लीजिए, नहीं इसमें मुझे टेक्स्ट जब डालना होता है तो हमें डबल इन्वर्टेड कॉमा देना पड़ता है। सर वो डबल कोट ज्यादा लगाया है आपने एमआरपी पे, एक कोट लेफ्ट साइड वाला हटेगा। नहीं 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 रहेगा रहेगा रहेगा, हाँ सर अब सही है। नहीं नहीं ये हाँ, इसमें टेक्स्ट फॉर्मूले में वर्ड वाला सेंटेंस वाला काम नहीं होता, जैसे इसको आपने सिलेक्ट अच्छा। कर लिया, सेंटेंस वाला वर्क नहीं होता है, इस तरह से करेंगे तो आ जाएगा। या फिर आप इसमें खासकर हम लोग इसका डेट में यूज करते हैं, या मान लीजिए परसेंटेज करना है आपको तो डॉट जीरो जीरो परसेंटेज कर दीजिए तो परसेंटेज आ जाएगा। अगर आपने डेट लिखा हुआ है, जैसे हमने यहाँ पे डेट लिख दिया, तो
अब मुझे डेट का अपना फॉर्मेट चाहिए तो टेक्स्ट का इस्तेमाल कीजिए, इसको सिलेक्ट कीजिए और इसमें dd/mm/yy हो जाता है, इसका यूज हो सकता है। टाइम जैसे मान लीजिएगा आपने 10 घंटे 20 मिनट दिया हुआ है, मुझे इसको मिनट में कन्वर्ट करना है तो टेक्स्ट हमने इसको सिलेक्ट किया कॉमा, इसमें हमने कर दिया स्क्वायर ब्रैकेट में m, क्या मिनट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इन सब चीजों के लिए टेक्स्ट यूज करते हैं। तो कस्टम फॉर्मेटिंग की कुछ चीजें जो है इसमें नहीं आती, जो जो टेक्स्ट रिलेटेड वर्क होता है ना वो नहीं आता, बाकी सारा आ जाता है, डेट टाइम नंबर का आ जाता है। ओके सर, आगे बढ़े। अब हम टी पे थे, तो जैसे हमारे पास नंबर्स हैं और यहाँ पे टेक्स्ट भी है, तो मैं चाहता हूँ टेक्स्ट को, टेक्स्ट को मैंने एक दूसरे कॉलम में सिर्फ टेक्स्ट को शो करना या सिर्फ नंबर को शो करना, तो टी फॉर्मूला जस्ट टेक्स्ट को शो करेगा, नंबर को ब्लैंक कर देगा। टेक्स्ट जिसमें टेक्स्ट जिस फील्ड में टेक्स्ट है, ऐसा नहीं है कि जो इसमें से सिर्फ टेक्स्ट को ही शो करेगा नंबर ब्लैंक रखेगा, ऐसा बात है, मतलब कि जो टेक्स्ट फॉर्मेट में। और इसी का अपोजिट होता है हमारा फॉर्मूला एन का, जो कि नंबर को शो करता है और टेक्स्ट को जीरो कर देता है। ओके, उसके बाद इसमें हमने रेप्ट का फॉर्मूला एक है, रेप्ट का फॉर्मूला रिपीट का काम करता है, जैसे कि ए लिख दिया और हमने यहाँ पे इसको लगाया रेप्ट, रेप्ट में इसको सेलेक्ट करके दे दिया 5, तो पांच बार रिपीट कर देगा, जितना नंबर देंगे उस लेटर को उतना बार रिपीट कर देगा। ठीक है, इसका भी एक यूज है, बताऊंगा थोड़ी देर में आपको मैं। उसके बाद रिप्लेस बताई दिया, प्रोपर बताई दिया, मिड लोअर लेन लेफ्ट, इसमें फिक्स और एग्जैक्ट है, फाइन बताई दिया है, फिक्स एग्जैक्ट डॉलर है, ये फॉर्मूले हम बताते हैं आपको। जैसे कि हमने नंबर दे दिया, अब प्रॉब्लम क्या है कि इस नंबर को बहुत सारे लोग फॉर्मेट चेंज करते हैं, अलग अलग फॉर्मेट में चला जाता है। मैं चाहता हूं कि नहीं, किसी भी कीमत पे मेरे नंबर का फॉर्मेट चेंज ना हो, तो इस नंबर को आप फिक्स में डाल दीजिए। आप डॉलर साइन के साथ चाहते हैं तो डॉलर के अंदर नंबर डाल दीजिए। अब इसके ऊपर आप कोई भी फॉर्मेट अप्लाई करेंगे तो नहीं अप्लाई होगा, समझे। तो इसका यूज हम लोग इनवाइस वगैरह पे करते हैं, चेक अमाउंट वगैरह, चेक प्रिंटिंग वगैरह पे जो है उस पर करते हैं, ताकि हम जब उसको यूज करें तो चेंज ना हो। ठीक है, समझ में आया सर। लास्ट का कट गया, सुनाई नहीं दिया था। मैंने बोला कि इसका यूज हम करते हैं जब हम इनवाइस वगैरह क्रिएट करते हैं, ताकि गलती से कोई नाम चेंज ना हो। ओके, समझ गया। ओके, डाउट इसमें। अब आगे बढ़ते इसमें। अब हमारे पास जैसे कि हमने बताया था कॉन्करेंट फॉर्मूला, अब मान लीजिए कुछ नाम मैं यहां लिखता हूं और इस नाम को मुझे एक साथ ज्वाइन करना है, इस नाम को मुझे एक साथ ज्वाइन करना है, तो इसके लिए हम यूज करते हैं कॉन्करेंट फॉर्मूला। तो कॉन्करेंट फॉर्मूला में क्या होता है कि हमें एक एक करके देना होता, हम एक साथ पूरा रेंज नहीं दे सकते, इस तरह से देंगे तो नहीं शो करेगा आपको। ठीक है, मुझे एक एक रेंज देना होता है, तो उसके लिए आपके लेटेस्ट वर्जन में दो फॉर्मूले, एक फॉर्मूला है कॉन्केट का, कॉन्केट को आपको यहां से दे देगा पूरा से पूरा ज्वाइन करके, दे दिया सर। बट इसे सेपरेटर नहीं लगाया, आप चाहते हैं इनके बीच में सेपरेटर चाहिए तो आपको नया फॉर्मूला है टेक्स्ट ज्वाइन, इसका इस्तेमाल करना होगा। टेक्स्ट ज्वाइन फॉर्मूला जब यूज करते हैं
तो सबसे पहले इन्वर्टेड कॉमा में सेपरेटर देना होगा, जैसे मुझे कॉमा दे दिया, फिर क्या आप ब्लैंक को इग्नोर करना चाहते हैं? यस। फिर इसमें आपने टेक्स्ट को पूरा रेंज को सेलेक्ट कर लिया, आ गया सर। इसकी मदद से हम लोग एक बहुत बड़ा काम करते हैं सर, जैसे मेरे पास डेटा है और मैं यहाँ पे नेम्स को नीचे की तरफ ड्रैग कर देता, सॉरी स्पेलिंग मिस्टेक हो गया, और यहाँ पे हमने सेल्स रेट, एक मिनट हैंग हो गया, कॉपी करता हूँ इसको, वैल्यू पे इसको देता। अब इससे आप लोग जनरली वी लुकअप लगाते हैं, वी लुकअप आता है आप लोगों को सर? हाँ जी। नहीं सर मुझे नहीं आता। वी लुकअप नहीं आता आपको सर? नहीं आता सर। ओके हम सिखाते हैं आपको वी लुकअप। पहले जानिए कि वी लुकअप का काम क्या है। जैसे आप अपने रिजल्ट याद होगा, आपने कॉलेज के जमाने में रिजल्ट देखने के लिए अपने वेबसाइट पर जाते हैं, नंबर रोल नंबर डालते हैं, क्लिक करते रिजल्ट आ जाता है। कंपनी आपका रोल एम्प्लॉय को डालती है, उसका पूरा डिटेल आ जाता है। बैंक में जाते हैं, बैंक आपका अकाउंट नंबर डालता है और आपका पूरा डिटेल लेता है। ये सब चीजें आता कहाँ से? आपने एक यूनिक नंबर दिया, उसने करोड़ डेटाबेस में से आपका डेटा निकाल दिया। इसी को बोलते हैं लुकअप मेथड। वी लुकअप मतलब कि वर्टिकल लुकअप। जैसे मान लीजिए पूरे डेटा में से मुझे पूजा का डेटा ढूंढना है, मुझे रवि, मैं यहां पे जिसका भी नाम लिखूं उसका सेल्स यहां लग जाए। ठीक है, तो क्या करें इसके लिए? तो इसके लिए हम लगाएंगे वी लुकअप। वीलुकअप लगाया, इसको सिलेक्ट किया और हमने अपने डेटा को सिलेक्ट कर लिया, कॉमा 2,0। ध्यान से देखिएगा, लुकअप वैल्यू टेबल कौन सा कॉलम का डेटा शो करना है, पहला या दूसरा? तो दूसरा कॉलम। जीरो मतलब एग्जैक्ट मैच करना है, मिलता जुलता मतलब एग्जैक्ट मैच करना है, तो 55 आ गया। अब मैं यहाँ पे कविता का नाम टाइप करूंगा तो एंटर मारते कविता का चला जाएगा, राजू लिखूंगा तो राजू के चला जाएगा, रवि लिखूंगा तो रवि का चला जाएगा। आ गया सर? आ गया सर। बट यहाँ पे एक प्रॉब्लम, बिल्कुल समझ आया आपको आप सुचन जी? सर आ गया समझ। ओके, बट वी लुकअप की छोटी सी प्रॉब्लम है कि वो सिर्फ लीनियर डेटा को लुकअप करता है। मतलब कि पूजा इसमें देखिए कई बार है, इसे सिर्फ एक पूजा का डेटा शो किया है। तो मैं चाहता हूं कि पूजा का जितना भी डेटा है या रवि का जितना भी डेटा है वो कॉमा कॉमा करके दे दे। जैसे मैं अगर पूजा लिखता हूं तो पूजा का 55 आया, फिर 55,27,53 इस तरह से पूरा दे दे, चाहे 10 बार में हो या 20 बार दिखाओ। ये चीजें वी लुकअप से नहीं होती है। वी लुकअप रिपीटेड केस में एक ही देता है और बहुत सारे तिग्रम हम करते हैं लेकिन फिर भी हमें सिर्फ एक ही डेटा मिल पाता है। तो इसके लिए हम आगे क्या करें? तो इसके लिए टेक्स्ट ज्वाइन बहुत अच्छा सिस्टम है। देखिए टेक्स्ट ज्वाइन, हमने बोला कि कॉमा सेपरेटर देना है, हाँ ब्लैंक को इग्नोर करना है। फिर हमने कंडीशन दिया इफ का कि इफ ये जितने भी नेम है हमारे उस नेम अगर इक्वल टू पूजा है, अगर ऐसा होता है तो इसका सेल्स दे दो, अदरवाइज ब्लैंक दे दो।
आ गया सर। आप सोच रहे होंगे कि यह फॉर्मूला काम कैसे किया, तो चलिए हम स्टेप इन्फो के लिए फॉर्मूला एवलेट में जाते हैं। सबसे पहले इसने पूजा लिया और पूरा नाम लिया, जहां जहां पूजा मैच कर रहा है वहां वहां पे ट्रू आ गया, और इफ को जहां जहां ट्रू मिला उस जगह पे उसने उसका नंबर दे दिया 55, और जहां नंबर नहीं मिला वहां पे ब्लैंक दे दिया। अब हमने टेक्स्ट ज्वाइन को बोला कि भाई ज्वाइन करो सारे नंबर्स को कॉमा के साथ और इग्नोर करो ब्लैंक को। ठीक है, ठीक है, इग्नोर करो ब्लैंक को और यहां पे देखिए आ गया। तो ब्लैंक को इग्नोर कर दिया, सारे नंबर को ज्वाइन कर लिया। शुभम जी, सत्यन जी, समझ में आया आपको चीज? हाँ जी, हाँ जी, ये तो कमाल का फॉर्मूला है इसका। अभी तक तो मैं क्या करता था, दोनों को कॉन्केटिनेट कर लेता, पूजा और सेल्स, फिर उसके बाद ढूंढता। तो वो भी एक एक सेल में नहीं ना आएगा, उसको एक ही अलग अलग आएगा आपको इस तरह से। हाँ, 55, 27, 53, 22 एंड 192 एक साथ मर्ज होकर नहीं आएगा, बस यहाँ टेक्स्ट ज्वाइनिंग वजह से मैं कर सकता हूँ। अब अगला इसमें, ये तो हो गई, अब अगला इसमें हम बात कर रहे हैं कुछ और एग्जांपल्स की, तो चलिए बात करते हैं। अब इसमें अगला ऑप्शन आता है कि यहाँ पे मान लीजिए फ्लाइट क्लासेज है, आप लोग ब्रावर फ्लाइट यूज करते हैं ना, तो मान लीजिए मुझे पुणे से मियामी जाना है, अब पुणे से मियामी के लिए डायरेक्ट फ्लाइट तो मिलेगा नहीं, क्या सर? तो उस केस में क्या करेंगे? तो यहां पे जितने फ्लाइट, एक तीन चार फ्लाइट यूज हुआ है और इसके क्लास अलग अलग है, तो होता है क्या, हर क्लास का अलग अलग, मान लीजिए कि वेंडर जो है वो अगर बिजनेस क्लास का दो यूज करता है तो बिजनेस क्लास का उसका अलग उसका पर टिकिंग का चार्ज है, मतलब कि उसको अलग अलग कमीशन के स्लैब्स है। तो मुझे बस काउंट करना है कि इसमें बी कितना है, इसमें ई कितना है इसका, और इसमें कि कितने बिजनेस क्लास है, कितने इकोनॉमिक क्लास है, कितने फर्स्ट क्लास। तो अगर मैं बात करूं कि मैं काउंट करना चाहता हूं कि एक ही सेल के अंदर कोई कैरेक्टर कितना बार रिपीट है, अब इसके लिए कोई फॉर्मूला तो है नहीं। आई थिंक आपने इसके सवाल, शुभम जी आज आपने पूछा भी था ऐसा सवाल ना फोन पे? नहीं तो नहीं, कोई और पूछा होगा, किसी ने पूछा था एक कल परसों में, इसलिए बोला था। तो क्या करेंगे, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले लेन निकालेंगे, हम बात करेंगे टोटल लेंथ है कितनी, फिर मैं वापस सब्स्टिट्यूट लगाऊंगा और इसके अंदर मैं बोलूंगा कि एफ को ब्लैंक से रिप्लेस करो, फिर वापस मैं लेन लगाऊंगा, ठीक है, और वापस लेन लगाऊंगा, लेन में इसको सेलेक्ट कर लूंगा, और फिर मैं जब बी था तो जैसे एफ, जब एफ था तो कितने करेक्टर थे, जब एफ को डिलीट किया उसके बाद कितने करेक्टर बचे, तो जितने बचे उतने नंबर ऑफ बी है। अब इसको एक साथ यहां लगा लीजिए आप, इक्वल लेन माइनस सब्स्टिट्यूट नहीं ले, वापस लेन लगेगा, लेन सब्स्टिट्यूट
ठीक है, और इसको सिलेक्ट किया और यहाँ निकाल दिया, ठीक है, हो गया। फिर सब्स्टिट्यूट में गलत सिंटैक्स लग गया, सब्स्टिट्यूट क्या करना है, कॉमा को किससे करना है, ब्लैंक आ गया सर, बट थ्री क्यों आया, ये लो फॉर्मूला थोड़ा समझ में नहीं आ रहा क्या, कॉमा थे बस, सिंपल सी बात समझिए ना, हमने पहले लेंथ निकाला, करना है क्या समझिए, हमें इसमें से पता करना है कि कितने एस है, राइट, हमें पता करना है इसमें एस कितना है, ठीक है, तो हमने क्या किया, पहले काउंट निकाला कि बिट एस कितना था, फिर हमने सब्स्टिट्यूट फॉर्मूले से एस को डिलीट कर दिया, ओके, एस को हमने डिलीट कर दिया, फिर हमने काउंट निकाला कि विदाउट एस कितने हैं, तो दोनों के बीच में जो के होगा डिफरेंस होगा वो जितने एस एस है, एक साथ हमने यहां लगा दिया कि कंप्लीट लेन माइनस लेन ऑफ सब्स्टिट्यूट रिजल्ट। इसी का अगर हम दूसरा एग्जांपल बताएं तो एयरलाइंस दिया हुआ है, मतलब कि फ्लाइट कौन कौन सी एयरलाइंस यूज किए गए हैं वो है यहां पे, ठीक है, अब मुझे इसे पता करना है, जस्ट इस सिंपल से पता करना है कि कितने एयरलाइंस यूज किया गया है, मतलब इसके अंदर कितना कॉमा है वो मुझे पता करना है, तो इसका यूज कर सकते हैं ना सिंपल सर, पहले लेंथ निकालेंगे, जी हाँ, ट्राई करके देखिएगा सर, अगर मैं देखना चाहूं कि भाई दो डिजिट का मेरा एयरलाइन कोड है, मुझे पता करना है कि सेम एयरलाइन है या नहीं है, मुझे बस ट्रू फॉल्स रिजल्ट चाहिए कि अगर इसमें सेम एयरलाइंस है, जैसे अमेरिकन एयरलाइन अमेरिकन एयरलाइन नहीं, क्या डिफरेंट डिफरेंट एयरलाइंस यूज किया गया, तो अगर सेम एयरलाइंस है तो उसका कैलकुलेशन अलग होगा, अलग एयरलाइंस है उसका कैलकुलेशन अलग होगा, तो मुझे सेम एयरलाइंस का कैलकुलेशन निकालना है, तो कैसे निकालेंगे इसके लिए, तो इसके लिए मैं यहां सिंपल सा लगाऊंगा फॉर्मूला लेफ्ट का, ठीक है, और इसमें से हम बोलेंगे कि दो डिजिट अलग करो, हो गया, फिर मैं बोलूंगा सब्स्टिट्यूट, और सब्स्टिट्यूट में बोलूंगा कि इसमें जाओ और ये जो दो लेटर अलग है इसको ब्लैंक से डिलीट कर दो, फिर वापस हम सब्स्टिट्यूट लगाएंगे और बोलेंगे कि इसमें आओ और इसको इसकी कॉमा को ब्लैंक से रिप्लेस कर दो, फिर लेन लगाओ, अगर लेन जीरो आता है इसका मतलब है कि सेम एयरलाइन है, अगर लेन जीरो नहीं आता है इसका मतलब है कि एयरलाइन अलग अलग, दिखा सर, सर एक बार जे जे थ्री पे रखेंगे, जे थ्री इसमें आपने सब्स्टिट्यूट किया एस टू को और जो ए है उसको बोला कि आप रिप्लेस कर दो, हाँ सिंपल से हमने देखा कि हमने पता चल गया कि एयरलाइंस का कोड दो डिजिट का होता है, तो हमने क्या किया दो डिजिट लेफ्ट से निकाल के एक एयरलाइंस निकाल लिया, फिर उसी एयरलाइंस उस एयरलाइंस को इसमें सबको किया, अगर सेम एयरलाइंस होगा तो सारे के सारे ब्लैंक से रिप्लेस हो जाएंगे, अच्छा अच्छा ठीक है, कॉमा बचेगा, कॉमा से रिप्लेस किया यहाँ पे, कॉमा को हटा दिया, कॉमा तो था ही है ना, कॉमा बच जाएगा ना इसमें, कॉमा बच जाएगा सिर्फ, हम कॉमा को भी डिलीट कर दिए तो कुछ नहीं बचा, इसका मतलब है कि सेम एयरलाइन है, अगर कुछ बच गया इसका मतलब है कि डिफिनेशन एयरलाइन, तो आज की क्लास में मैंने आपके साथ टेक्स्ट कैटेगरी की फॉर्मूले मैंने खत्म कर दी, अब आप लोगों के लिए रिसर्च, हमने आपको बताया था रेप्ट का फॉर्मूला, बताया तो रेप्ट का फॉर्मूला क्या करता है, रेप्ट का फॉर्मूला काम है रिपीट, जैसे इसमें आपने ए को बोला कि पांच बार रिपीट करो,
अब आपको मुझे रिसर्च करके बताना है कि आखिर इसका ऑफिस में बेनिफिट क्या है। ठीक है, आप इसको अपने ऑफिस में क्या यूज करोगे ये आप मुझे बताएं। अगर आप ऐसा बताते हैं तो आपका जो कैर का जो कैर का जो कोड का जो कंफ्यूजन है वो हम आपको दूर कर देंगे, एक और एग्जांपल देंगे। ठीक है, मगर सर तो ये शीट शेयर कर दीजिए प्लीज। हाँ ठीक है, थोड़ी देर में भेज देता हूँ। हेलो, ठीक है सर, भेज देता हूँ। ओके, थैंक यू, थैंक यू।